अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा आज इस वीडियो में कि पिटीशन कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी आप एक पिटीशन को कैसे फाइल कर सकते हैं मैं यहाँ पे बताऊंगा पिटीशन को कैसे फाइल किया जाता है, क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए एक पिटीशन के अंदर, क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें होते हैं, और एक फॉर्मेट दूंगा जिसकी मदद से आपको पता लग सके कि एक पिटीशन असल में होता कैसे है। ठीक है, तो सारा डिटेल में मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, एक पिटीशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, पिटीशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जहाँ पे पहले पार्ट में आप एक इंट्रोडक्शन देना होता है आपको, प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट का इन्फॉर्मेशन, पहले प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट का इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। उसके बाद में ये आपको फैक्ट देना होता है, मतलब क्या क्या सिचुएशन आया है जिसके वजह से आप जो है ये पिटीशन फाइल कर रहे हो कोर्ट में। तो इसके बाद आता है कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पर आपको लिखना है आप क्या मांग रहे हैं कोर्ट से। ठीक है, तो इसके बाद पार्टिकुलर एंड इवेल्युएशन, ये आप दे भी सकते हैं। लास्ट में आ गया प्रेयर। ठीक है, आप कोर्ट से क्या प्रेयर कर रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं, मतलब कौन सी चीज़ की यहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो और क्या क्या चीज़ की आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ से, मतलब आपको रेमेडी क्या क्या चाहिए ये आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट में आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, यहाँ पे साइन करने के बाद, ये जो है ये पिटीशन आपका बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि डिटेल में कि पिटीशन कैसे फाइल किया जाता है। तो पहले आपको ये देखना है, यहाँ पे लिखना होगा इन द कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज ऑफ कौन से कोर्ट के आप वकील है, उस तरह से आप यहाँ पे लिखना होगा, अपने कोर्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। पिटीशन की जगह आपको कुछ नहीं लिखना है, ओएस की जगह भी आपको कुछ नहीं लिखना होगा, सिर्फ यहाँ के जो ईयर है वो लिख दीजिए सिर्फ। ठीक है, तो प्राइमरी पार्ट में ये कोर्ट, ये जो केस है, ये केस में पार्टीज़ का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे पार्टीज दो है, नितिन रॉय ये प्लेंटिफ वर्सेस सुजीत दत्ता ये डिफेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने तो नाम ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन प्लेंटिफ होगा, दूसरा डिफेंडेंट। तो प्लेंट फाइल इन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के बिहाफ पे ये जो प्लेंट है ये इसको फाइल किया गया है। अब आपको यहाँ पे प्लेंटिफ का पूरा डिटेल लिखना है, मतलब प्लेंटिफ का नाम, उसका पिता का नाम सन ऑफ यहाँ पे लिखना है, एज कितना एज है या नितिन रॉय का, कौन से रिलीजन का है, कौन सी जगह में रिसाइड करते हैं, कौन सा मतलब कौन सी जगह में ये रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नितिन रॉय जिसका फादर का नाम है सुरेश चंद्र रॉय, तो एज्ड अबाउट 45 इयर्स, जिसका उम्र है 45 इयर्स, जो हिंदू बिजनेस चलाता है। ठीक है, रिसाइडिंग एट रविंद्र सरोनी हाउस नंबर 25/256 ग्रीन पार्क मेमारी बर्धमान वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका पिन कोड दे देना है। ठीक है, विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यहाँ पे डिटेल में ऐसा ही आपको लिखना होगा। ठीक है, पहले प्लेंटिफ का नाम, उसके पिता का नाम, उसका एज, वो क्या करता है वो लिखना है आपको, फिर उसका एड्रेस, फुल एड्रेस लिखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग द हाउस नंबर, और लास्ट में ये लिखना है विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, जो ऑनरेबल कोर्ट के जुरिसडिक्शन में अंडर फॉल करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये लिख देना है कि एड्रेस ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब जो भी नोटिस कोर्ट के माध्यम से भेजा जाएगा तो इस एड्रेस पर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे डिफेंडेंट का पूरा डिटेल लिखना है, तो डिफेंडेंट का नाम, उसके पिता का नाम सेम ऐसा यहाँ पे जो हुआ था, सिर्फ मतलब ऐसा ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशन और कहाँ पे रेसिडेंस है, कहाँ पे वो रहते हैं वो लिखना है, और विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ये भी लिख देना है। और यहाँ पे सेम लिखा होगा कि इस एड्रेस पर जो भी सर्विसेज होगा यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब जो भी नोटिस सर्व किया जाएगा इसी एड्रेस पर दिया जाएगा डिफेंडेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो भी आप लिखेंगे एक पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है प्लेंटिफ डिफेंडेंट, एक दो पॉइंट नंबर में आ गया, यहाँ पे दो तीन नंबर पॉइंट में ये लिख रहा है हम कि डिफेंडेंट बोरोड ए सम ऑफ 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज लिया है डिफेंडेंट ने फ्रॉम द प्लेंटिफ ऑन द डेटेड, दिस डेट पर उन्होंने लिया था, एंड कंसिडरेशन के रूप में उन्होंने प्रोमिसरी नोट एक दिया था कि वो रिटर्न कर देगा सारा पैसा विथ 24% पर एनम इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें, तो यहाँ पे मेनली आपको क्या लिखना है, मेन इंसिडेंट क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है और कौन सा ब्रीच हुआ है आपका। ठीक है, तो मेन इंसिडेंट यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा कि द प्लेंटिफ मेड सेवरल डिमांड, मतलब प्लेंटिफ ने बहुत सारा डिमांड किया है डिफेंडेंट से कि वो पैसा जो है, जो उधार लिया है उन्होंने, वो चुका देने के लिए। ठीक है, फिर द डेट ऑफ रिपेमेंट एज पर द प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने एक प्रोमिसरी नोट दिया था प्लेंटिफ को, और वहाँ पे वो डिक्लेयर किया था कि 24% ब्याज पर ये पैसा रिटर्न कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बार प्लेंटिव जो है सेवरल डिमांड करने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो द डेट ऑफ रिपेमेंट एज पर द प्रोमिसरी नोट, जो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट की हम बात करें, ये प्रोमिसरी नोट में कौन सा डेट में रिटर्न करने की प्रॉमिस किया गया था, यहाँ पे 12/3/2019, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। द प्लेंटिव इसके कारण जो प्लेंटिव है, प्लेंटिव ने ऑल्सो कॉस्ट ए रजिस्टर्ड लॉयर्स नोटिस डेटेड दिस डेट। ठीक है, तो ये प्लेंटिव ने प्रीवियसली क्या किया था, ये प्लेंटिव ने एक लीगल नोटिस भी एक लॉयर के माध्यम से उसके हाथ में सर्व किया था, लेकिन उन्होंने उसका भी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया है डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया है प्लेंटिव को। तो प्लेंटिव अब ये चाहता है कि जो पैसा डिफेंडेंट ने उधार लिया है वो रिटर्न पाने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको डालना ही होगा कि जो प्लेंटिव सबमिट्स दैट द डिफेंडेंट इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको फोर्स नहीं कर पाएगा वो पैसा रिटर्न करने के लिए, अगर वो एग्रीकल्चरल कुछ फार्मिंग करने के लिए पैसा उधार लिया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है, जैसा है वैसे ही आप पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे। तो नेक्स्ट आपको लिखना होगा कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, फॉर दिस सूट, मतलब ये सूट किस लिए किया जा रहा है। फॉर दिस सूट अरोज इन दिस डेट इन बर्धवान, मतलब ये कोर्ट का एड्रेस आपको देना है, कौन से कोर्ट में, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ये ऑनरेबल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करता है। और नेक्स्ट आपको लिखना है द प्लेंटिव वैल्यूज द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ 28,000 एंड पे कोर्ट फी ऑफ 1.666% अंडर द वेस्ट बंगाल कोर्ट फी एक्ट। मतलब प्लेंटिव जो है वो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट में चल रहा है, वो क्या मांग रहा है प्लेंटिव कि 25,000 प्लस उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ 28,000 टोटल वो रिकवर करना चाहते हैं। तो कोर्ट को ये इसलिए पिटीशन दिया गया है, तो उसके लिए 28,000 का 1.66% जो भी आ रहा है तो वो एज ए कोर्ट फी वो सबमिट कर रहे हैं। ये कोर्ट फी का कितना परसेंटेज होगा वो अपने अपने स्टेट में अलग होता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में हमारा जो है हर एक स्टेट में अलग एक्ट होता है, द वेस्ट बंगाल कोर्ट फी एक्ट हमारे यहाँ पे है, तो इसके अनुसार 1.666% देना पड़ता है एज ए कोर्ट फी। तो यहाँ पे वो भी सबमिट कर दिया है, या ये डिक्लेरेशन लिखना होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर एंड वैल्यूएशन, तो ये 28,000 ये कैसे आया तो ये समझा देना होगा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल बोरोड, मतलब कितना पैसा लिया गया था, 25,000, राइट। तो इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम 12/1/2019 टू 12/6/2019, मतलब 6 महीना हुआ है। तो अगर 25% इंटरेस्ट आता है तो 24% अगर इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे 12% की ज़रूरत है। 12% कितना होगा 25,000 का, वो है 300 रुपीज़, और 300 रुपीज़ ऐड करके क्या होगा, रिपेड अमाउंट 28,000, मतलब 28,000 पे करना होगा उस डिफेंडेंट को विथ इंटरेस्ट रेट, ओके। द कोर्ट फी कितना होगा, 28,000 का कोर्ट फी जो होगा वो है 400 रुपीज़, तो 400 रुपीज़ एज अ कोर्ट फी पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट में प्रेयर में लिखना होगा आपको, नेक्स्ट आपको प्रेयर में ये लिखना है कि इट इज़ देयरफॉर प्रेड दैट द ऑनरेबल कोर्ट में प्लीडेड टू पास द जजमेंट डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के विरुद्ध में एक डिक्री पास करने के लिए प्रे किया जा रहा है कोर्ट से, एंड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिव, प्लेंटिव के फेवर में जो डिसीजन होगा, ठीक है। डिफेंडिंग टू पे प्लेंटिव द सम ऑफ 28,000 विथ फर्दर इंटरेस्ट एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट टिल द एंड ऑफ द रियलाइजेशन, मतलब ये 28,000 तो पे करना ही होगा डिफेंडेंट को, उसके साथ साथ जितना दिन लेट करेगा, मतलब वो पेमेंट करने में, पेमेंट रिलीज करने में जितना दिन का देरी होगा तो उस टाइम में जो भी इंटरेस्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वो भी पे करना पड़ेगा। ऐसा डिक्री देने को आप डिक्री की मांग कर रहे हैं आप कोर्ट से, ठीक है, वो आप प्रे कर रहे हैं। तो और इसके साथ आप ये भी प्रे कर रहे हैं कि अवॉइडिंग द प्लेंटिव द कॉस्ट ऑफ दिस सूट, और ये केस करने में, केस फाइल करने में जितना भी खर्च हुआ है, एडवोकेट से लेकर लीगल नोटिस भेजने से लेकर सारा कुछ में जो भी पैसे की यहाँ पे खर्च हुआ है तो उसका भी पैसा रिटर्न करना होगा उस डिफेंडेंट को, ओके। पासिंग सच फर्दर और अदर ऑर्डर एज ऑनरेबल कोर्ट मे डिम फिट, मतलब इसके साथ अगर ऑनरेबल कोर्ट चाहता है और भी कुछ मतलब ऑर्डर देना, अगर चाहता है कोर्ट और भी कुछ अगर उसको लगता है तो वो क्या करेगा कि वो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के अनुसार वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट प्रेयर के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन एक पॉइंट करना होगा आपको। यहाँ पे वेरिफिकेशन में ये लिखना है कि आई प्लेंटिव डू हियर बाय वेरीफाई दैट द कंटेंट इन पैरा नंबर 1 से 8 में, मतलब पैरा 1 से लेकर 8 तक जो भी पैराज है वो बेस्ट ऑफ द नॉलेज,
एंड बिलीव, ठीक है। तो प्लेंटिफ के नॉलेज में कौन से पैरा है, 1 से 8 तक, ठीक है। रिमेनिंग पैराज आर ऑल्सो ट्रू, जो रिमेनिंग पैरा है वो भी सत्य है, लेकिन वो एज पर द एडवाइस ऑफ माई एडवोकेट किया गया है। तो एडवोकेट के एडवाइस के अनुसार लास्ट पैरा जो है वो किया गया है, मतलब कैसे रिकवरी होगा, पैसा कितना, पैसे की डिमांड करना चाहिए। प्रेयर जो पार्ट है, प्रेयर पार्ट वो एडवोकेट के माध्यम से लिखा गया है, वो भी ट्रू है। नथिंग हैज बिन कंसील्ड हेरिन, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है ये इसमें रिलेवेंट कोई भी फैक्ट छुपाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये लिख देना है, और यहाँ पे प्लेस और डेट लिख देना है, और यहाँ पे एसडी पिटिशनर, ठीक है, पिटिशनर का सिग्नेचर होगा। तो यहाँ पे मैंने आज इस वीडियो में आपको सिखाया कि एक जनरल पिटिशन कैसे फाइल किया जाता है। आने वाले वीडियोज़ में ये मैं शेयर करूँगा कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए कैसे पिटिशन, मतलब कैसे कैसे एप्लीकेशन देना होता है एंटिसिपेटरी बेल का, और क्रिमिनल सूट कैसे फाइल करते हैं, सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा देना लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, एंड हैव अ ग्रेट डे। Thanks for watching our channel.